नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों की स्थिति के ऊपर नजर डाले तो शुरुआत में दबाव के साथ शुरुआत, फिर बाजार में तेजी आई। एक तरफा तेजी के बाद 81.50 का स्तर पार किया और फिर बिकवाली के बाद बाजार में सभी बढ़त जो है तेजी जो थी पूरी फिजल आउट हो गई। अब 8100 के स्तरों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। 50 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से निफ्टी में ऑलमोस्ट देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 26311 के स्तरों पर, यानी करीब करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट ऊपरी स्तर सेंसेक्स में भी आ चुकी है। मिड कैप इंडेक्स जो कि एक समय में करीब 150 अंक ऊपर कामकाज कर रहा था, 130 अंक ऊपर कामकाज कर रहा था, वो अब लाल निशान में आ चुका है। तो ऊपरी स्तर से करीब 130 से 140 अंक की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 70 अंक ऊपर था, वो अब लाल निशान में आ चुका है। रादर 45 अंक नीचे कामकाज कर रहा था, यहाँ पर भी हायर लेवल से करीब करीब 130 से 120 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक अब 0.5% ऊपर है, एक समय 1.5% तक ऊपर आ गया था, 1.4% बढ़त देखने को मिली थी। तो ऊपरी स्तर से यहाँ पर भी क्वाली आई, तो मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड हायर लेवल से जरूर सेल ऑफ देखने को मिला है। जिन शेयरों में उस समय दबाव था वहाँ पर गिरावट और गहरा गई है। जिन सेक्टर्स में उस समय तेजी थी वो सेक्टर्स अब ऊपरी स्तर से टूटकर या तो फ्लैट हो चुके हैं या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे IGL करीब करीब 5% ऊपर था, अब 2.5% रह गया है। IOC 0.5% रह गया। ऑयल एंड गैस एक समय पूरा इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा था, लेकिन अब BP से लाल निशान में है। गेल 1% ऊपर है और बाकी दोनों OMC यानी कि HPCL और IOC करीब करीब 0.5% से 1% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। बैंकिंग एक्सिस बैंक करीब 2% ऊपर, यस बैंक, PNB, BOB, SBI सब में 1% की खरीदारी है, लेकिन ये तेजी करीब 2 से 2.5% तक की थी जो कि अब वॉश आउट होकर करीब 1 से लेकर 2% के आसपास रह गई है। IT में सुबह से दबाव के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब गहराया है। HCL टेक 2% नीचे आ चुका है, पोलारिस 2.5% नीचे आ चुका है। बाकी अगर कुछ कंपनी जो आते हैं तो वहाँ पर भी 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। कैपिटल गुड्स मोर लेस फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज कर रहा है, एक्सेप्ट BHEL। BHEL सुबह से ही 1.5% ऊपर की तेजी के साथ खुला और वहीं पर ही अभी भी कामकाज करते हुए एक अपग्रेड के बाद यहाँ पर जरूर खरीदारी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और आज काफ़ी अहम दिन है क्योंकि एक तो टाटा सन्स की 2 अहम बोर्ड बैठक भी हैं। बॉम्बे हाउस में यहाँ पर बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री भी इस बोर्ड बैठक में मौजूद हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक उनको बाकी की बोर्ड ग्रुप कंपनियों से निकाला गया है, हो सकता है वो यहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। अभी तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने टाटा सन्स के ग्रुप को, बोर्ड को अपनी हाजिरी की एक नोट भेजा है और हो सकता है इस बैठक में वो मौजूद भी रहे। खासतौर पर होल्डर्स की ये मांग है कि जो बाकी कंपनियां हैं जहां पर अभी भी वो चेयरमैन पद पर बने हुए हैं, हो सकता है उनको उन पदों से भी निकालने की यहां पर अपील की जाए। EGM जो होनी है वहां पर, तो इस लिहाज से भी पूरे ही टाटा ग्रुप के शेयर्स पर आज नजर रहेगी किस तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। आप देखिए अभी टाटा ग्लोबल इंडियन होटल्स में वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन टाटा मोटर्स अभी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। करीब करीब 2.5% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। टाटा स्टील में अभी इस वक्त वीकनेस देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर अभी भी दबाव है, जैसे कि टाटा स्टील 390 के लेवल्स पर यहां पर कामकाज